जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के पझौता के चंदोल में शुक्रवार को पच्छाद की विधायक रीना कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुक्खू सरकार द्वारा पच्छाद में डी नोटिफाई किए गए संस्थानों के विरोध में वहां मौजूद विभिन्न पंचायतों के प्रधानों व स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट किया व प्रदेश सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र इन संस्थानों को खोलने के बारे में चर्चा की गई। बंद संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान पच्छाद की विधायक रीना कश्यप क्या बोली सुनिए। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो पूर्व सरकार जो हमारी सरकार थी उन्होंने बहुत से विकास के कार्य हमारे पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में किए थे और जिसमें से मैं कहना चाहूंगी आईपीएच डिवीजन जो हमारा राजगढ़ क्षेत्र का था और जो सब डिवीजन हमारा इलेक्ट्रिसिटी वो चंदोल का था। आज उस उद्देश्य से आज हम यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं। एक हमारा साक्षर अभियान जो हमने शुरू किया है, जो हमारे संस्थान बंद हुए हैं उस विषय को लेकर आज हमारे चंदोल क्षेत्र के यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने जो हमारे संस्थान बंद हुए हैं और सभी ने यहाँ पे सिग्नेचर कर ये दर्शाया है कि हम इस निर्णय से बहुत ज्यादा लोगों में रोष है। और एक मैं निवेदन जो प्रदेश सरकार से करना चाहूंगी कि जनता के हित के लिए, जनता के लिए जो ये संस्थान खोले गए थे वो आपने बंद किए हैं। आपने जनता, मैं तो कहना चाहूंगी जनता का आपने गला दबाया है। और मैं कहना चाहूंगी जो ये चंदोल हमारी पंचायत है, जो यहाँ पे सर डिवीजन खुला था कि हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है, भूमि है, मैं तो कहना चाहूंगी यहाँ पे तो आपको भरपूर देना चाहिए मगर आपने छीना है। यहाँ की जनता मैं बहुत ज्यादा रोष इस संस्थान को बंद जो ये हुआ है इसको लेके है। और यहाँ हमारी आज मीटिंग भी हुई है और हमने निर्णय लिया है कि हस्ताक्षर अभियान जो हम जनता के द्वार पर जाकर हमने आरंभ किया है और अगर सरकार नहीं मानी तो हम कोर्ट तक जाएंगे मगर अपने जो संस्थान है हम उसे खोलेंगे। और सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप इस विषय में अब जरूर सोचें और विचार करें। इस बैठक में पझौता व रासुमांदर के वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूर्व में रहे मंडल अध्यक्ष केशवानंद शर्मा, देव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष निशु पुंडीर, दिनेश शर्मा, युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी प्रधान धनुच मनुआ से रुपेंद्र चौहान, चंदौल पंचायत से प्रधान व उपप्रधान विनोद शर्मा, कोटला बांगी पंचायत से महेंद्र तुलसीराम, पूर्व में रहे प्रधान और रिंकू जस्टा, स्नौरा पंचायत से सोनू पुजेरा, मोनू पुजेरा, विनोद ठाकुर, नरेश ठाकुर, रवि दत्त शर्मा, जीवन सिंह, सतपाल भारती और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।